आज बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जी और शिवम छाबड़ा जी जो युवा मोर्चा के मीडिया प्रभारी हैं और सभी हमारे पत्रकार मित्र, जब से 5 राज्यों के चुनाव घोषित हुए हैं और उसमें दिल्ली के अंदर जो दिल्ली सरकार है आम आदमी पार्टी की, उसके मुखिया पंजाब और गोवा और उत्तराखंड और दूसरे राज्यों में जाकर तमाम वो बातें गिना रहे हैं जो उनकी उपलब्धियां हैं। और आज मैं पंजाब की जनता को भी ये बताना चाहता हूं, पंजाब के मीडिया को भी ये बताना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार की उपलब्धियां क्या है। वहां जाकर तो वो महिलाओं को 1,000 रुपए पेंशन देने की बात कर रहे हैं क्योंकि वहां चुनाव है, लेकिन पिछले सात वर्षों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। एक भी महिला, जो दिल्ली के अंदर लगभग 90 लाख महिलाओं की आबादी है, एक भी महिलाओं को उन्होंने 1,000 रुपए जो पंजाब में देने की बात कर रहे हैं वो तो दिया ही नहीं है। उससे भी उलट जो पेंशन महिलाओं को, विधवाओं को, बुजुर्गों को जो पेंशन मिलती थी, उस पेंशन को भी दिल्ली में बंद करने का काम केजरीवाल साहब ने किया है। और इसलिए आज दिल्ली की 90 लाख महिलाएं परेशान हैं, वो इस बात से दुखी है कि 7 वर्षों से केजरीवाल साहब ने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो उनकी सुरक्षा के लिए काम करेंगे, बसों में मार्शल लगाएंगे, लेकिन आज कहीं ना तो सुरक्षा है ना मार्शल है। उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली के अंदर, अभी चुनाव हुए तो दिल्ली के बाहर जाकर वो कह रहे हैं बेरोजगारों को हम 5,000 रुपए भत्ता देंगे। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहता हूं कि 7 वर्षों में आपने कितने बेरोजगार भत्ते दिए दिल्ली में, कितने रोजगार दिए? पंजाब में जाकर झूठ बोले 10 लाख रोजगार दिए, आरटीआई का जवाब आया सिर्फ 3700 रोजगार दिए। एक मुख्यमंत्री, एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठा व्यक्ति इतना झूठ बोले सिर्फ चुनाव की खातिर, सिर्फ वोट की खातिर, ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है कि वो पंजाब में जाकर झूठ बोल रहे। यही मुख्यमंत्री साहब पंजाब में जिस समय वहां का युवा नशे की ओर जा रहा था और वहां पर एक नशा माफिया काम करता था, तो उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई और कहा पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। ये कैसा दोहरा चरित्र है दिल्ली सरकार का, दिल्ली के मुख्यमंत्री का, कि वहां पर नशाबंदी की बात करते हैं और यहां शराब माफिया के साथ मिलकर शराब की हजारों दुकानें खोल रहे हैं और वो दुकानें भी रिहायशी इलाकों में, स्कूल के पास, मंदिर के पास, इनका उन कॉलोनियों में जहां कभी भी दुकानें नहीं, ठेके नहीं खोले गए, गुरुद्वारों के पास। आज हमारे पास एक एप्लीकेशन आई है जिसमें गुरुद्वारे से बिल्कुल नजदीक में शराब का ठेका खोला गया लाजपत नगर में और ऐसी तिलक नगर में भी। तो पंजाब में वो नशा मुक्ति की बात करते हैं और यहां जाके नशे के, शराब की हजारों ठेके खोल रहे हैं। शराब माफिया के साथ इनका कौन सा गठबंधन है, कौन सा गठजोड़ है कि 21 ड्राई डे हुआ करते थे, उन 21 ड्राई डे को घटाकर 3 कर दिए, यानी 18 दिन और शराब बिके करोड़ों रुपए का, 1,000 करोड़ रुपए की इन 18 दिनों में शराब बिकती है, वो 1,000 करोड़ का फायदा शराब माफिया को पहुंचा है। यानी
शराब माफिया पर इतने मेहरबान हो गए दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार, कि वो 21 ड्राई डे को घटाकर 3 कर दिए। और पंजाब में जाते हैं तो कहते हैं हम नशा मुक्त करेंगे, वहां जो उम्मीदवार बनाया वो भी माशाल्लाह, वो भी सब जानते हैं किस तरह शराब पीकर संसद हो या बाहर हो, किस तरह उनके कई वीडियो सामने आए। और वहां जाके वो दिल्ली में दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक का हाल क्या है यहाँ पर? अभी मोहल्ला क्लिनिक में गलत दवाई देने के कारण से वहां पर जो दवाई बच्चों को दी नहीं जानी चाहिए वो दवाई दी गई, और उस दवाई से 17 बच्चे बीमार हुए, उसमें 3 बच्चों की मृत्यु हो गई। ये हम नहीं कह रहे, ये तथ्य कह रही है, वहां के अस्पताल की रिपोर्ट कह रही है। ये मोहल्ला क्लिनिक और वहां गंदगी रहती है मोहल्ला क्लिनिक में सिवाय फर्जीवाड़ा के, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक जो इनका बहुत अच्छा मॉडल ही मानते हैं, उसमें मरीजों की संख्या के हिसाब से पेमेंट होता है। तो मरीजों की संख्या तो रजिस्टर में बहुत है, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक बंद है, जानवर घूम रहे हैं, गंदगी पड़ी हुई है, ये इनका मोहल्ला क्लिनिक मॉडल है, दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था का मॉडल। एक और मॉडल सुन लीजिए, इन्होंने वादे खिलाफी कैसे की। कोरोना संकट में इन्होंने दिल्ली के सभी किरायेदारों को कहा कि हम किराया देंगे, लेकिन आज एक भी किरायेदार को दिल्ली के अंदर किराया नहीं दिया गया। ये मैं पंजाब की जनता को विशेष रूप से इसलिए बताना चाहता हूं कि दिल्ली में उन्होंने 7 वर्षों में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, चाहे वो किराया देने की बात हो, चाहे वो अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देने की बात हो, और यहां तक कि वो कह रहे हमने फ्लाईओवर में बड़ी कटौती कर दी पैसे खर्चे में। अरे फ्लाईओवर कोई बनाया हो तब ना, दिल्ली में दिल्ली सरकार ने आज तक कोई फ्लाईओवर नहीं बनाया, कोई सड़क नहीं बनाई। हाँ, जब नरेला बवाना फ्लाईओवर बना वो डीडीए ने, केंद्र सरकार ने बनाया। रानी झांसी फ्लाईओवर बना वो एमसीडी ने केंद्र सरकार के सहयोग से बनाया। अभी दिल्ली के अंदर एक गंदे पानी को साफ करते हुए झील बनाई, निगम ने बनाई केंद्र सरकार के सहयोग से। और इनको यमुना की सफाई के लिए केंद्र सरकार ने 2419 करोड़ रुपया दिया, लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ। 18 नए एसटीपी प्लांट लगने थे, लेकिन एक भी एसटीपी प्लांट नहीं लगा। यानी पिछले 7 सालों में आप नए स्कूल नहीं खोल पाए। आपने कहा 500 स्कूल खोलेंगे, एक भी नहीं खुला, 16 स्कूल बंद हो गए, 20 नए कॉलेज खोलेंगे, एक कॉलेज नहीं खुला। उल्टे जो कॉलेज पुराने 12 कॉलेज चल रहे हैं, उन कॉलेज के टीचर्स को, उन कॉलेज के स्टाफ को सैलरी तक नहीं दे रहे। यह दिल्ली सरकार का मॉडल है। और यहां पंजाब चुनाव है, इसलिए दिल्ली के अंदर अभी उन्होंने कुछ कर्मचारियों को कहा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को रेगुलर कर दिया, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं मीडिया के साथियों को, वो सारे के सारे वो कर्मचारी हैं जो कि जिनके परिवार में कोई नौकरी करता था, उसकी मृत्यु हो गई, उनको अनुकंपा के आधार पर उनको रखा गया, और उसके बाद नियम के मुताबिक जो 5% उनका आरक्षण है उसमें उनको रेगुलराइज किया, और कह रहे कि हमने कॉन्ट्रैक्ट जो कर्मचारी उनको पक्का किया। और एक नहीं अनेक झूठ। दिल्ली के अंदर लाइफलाइन है यमुना जी, 48 किलोमीटर लंबी, उन्होंने कहा 7 बार कह चुके हैं, 7 times कह रहे हम यमुना को ऐसा कर देंगे कि दिल्ली का हर नागरिक डुबकी लगा लेगा, कोई वादा पूरा नहीं किया है। ये उनकी असलियत आज पंजाब की जनता को, पंजाब के लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने में तो महारत हासिल है। अभी जब दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन हुआ तो ये कह रहे कि पंजाब और हरियाणा से जो पराली जलाई जाती है वो पराली का धुआं दिल्ली में आता है, जिसकी वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन है, जबकि आंकड़े कुछ और कहते हैं। आंकड़े कहते हैं पराली नहीं,
दिल्ली में प्रदूषण धूल के कारण है, दिल्ली में प्रदूषण इंडस्ट्रियल एरिया का जो पॉल्यूशन है उसके कारण है, दिल्ली में पॉल्यूशन इसलिए है क्योंकि आपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की पॉलिसी बनाई थी जो लागू नहीं की, और तीनों की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है।